तो दोस्तों आज हम एक पुस्तक ग्रैंडमा बैग ऑफ स्टोरीज जो लिखी है सुधा मूर्ति जी ने, हम उससे एक कहानी ली है। उसका नाम है अ ट्रेजर ऑफ रामू। तो इसमें सुधा मूर्ति जी के ग्रैंड चिल्ड्रंस आते हैं उनके घर पर रहने के लिए। तो रात को वो लोग बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और फिर सुधा मूर्ति जो है वो बहुत बोर हो रही होती है और उनको लगता है कि अब हमें एक कहानी सुननी चाहिए क्योंकि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आ रखे हैं और उनको कुछ पता नहीं है पुराने टाइम के बारे में। तो इसी को लेकर सुधा मूर्ति जी ने अपनी कहानी शुरुआत की। हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं एक तुम्हें कहानी बताती हूँ जो बहुत ही प्राचीन है, यानी कि हमारे जो देवी देवता थे उनकी सभा चल रही थी, यानी इंद्र की सभा। इंद्र की सभा में सभी देवी देवता जो थे वो बैठे हुए थे। अब बैठे हुए थे तो वो चर्चा कर रहे थे। चर्चा क्या थी कि लक्ष्मी जो है वो बहुत ही चंचला है। चंचला का मतलब जानते हो, जो एक जगह स्थिर ही नहीं रहती, जो कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो जो सारे देवता थे उन्होंने कहा कि जो देवी है ना लक्ष्मी, वो किसी भी काम की नहीं है। कभी इनको आप यहाँ देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये तो कहीं और है। तो इस विषय पर बहुत ही चर्चा हो रही थी। अब जो देवी लक्ष्मी थी उनको भी क्रोध आ रहा था। लेकिन अब आप मुझे ये बताओगे कि देवी को चंचला क्यों कहा गया। लक्ष्मी माँ ने कहा कि भाई देखो, मैं चंचला इसलिए हूँ कि मैं एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि मैं कहाँ पर रहती हूँ, मेरा जो निवास है वो कहाँ रहेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ कहाँ रहेगा मेरा निवास। तो पता चला कि उनका निवास उस स्थान पर रहता है जहाँ पर विद्या हो या जिस घर में सफाई हो वहाँ पर मैं रहूंगी, और जहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे धर्म परायण हो, अच्छा सबका सोचने वाले हो, सबके विचार अच्छे हो, तो मैं वहाँ पर स्थिर रहती हूँ। और जहाँ पर ये सब नहीं होता तो वहाँ से मैं चली जाती हूँ। अब सबने कहा कि वहाँ से जाने का कारण क्या है भाई, कि कैसे हमें कैसे पता चलेगा कौन धर्मपरायण है क्या है। कहते जहाँ पर बहुत गंदगी होती है, जिस परिवार में सब एक दूसरे का कहना नहीं मानते, आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, वहाँ मेरा निवास होता तो है, आती तो मैं हूँ उनके पास, पर लेकिन खाली उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब वहाँ पर जो सब देवी देवता जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा लक्ष्मी जी आप तो ये बेकार की बातें हैं, आप हमें करके दिखाइए, हमें इस बात को बताइए। तभी माँ लक्ष्मी जी आती हैं और उन्हें अपना दिखाती हैं। तभी माँ लक्ष्मी का आगमन। नहीं ऐसा नहीं है, आज मैं आपको एक रामू और रानी की कहानी सुनाऊंगी जो उनके साथ सालों बाद होने वाला है, वो हम भगवानों को एक मिनट में पता चल जाता है। तो दोस्तों जो रामू और रानी थे वो दोनों बहुत गरीब थे और बेचारे किसान थे। दोनों दिन रात गर्मी में काम करते थे और किसी न किसी तरीके से बहुत ज्यादा परेशान थे वो अपनी जिंदगी से, क्योंकि बहुत गर्मी में उनको खेत में काम करना पड़ता था, तो इस वजह से वो बहुत परेशान थे। तो अब हम उनकी कहानी सुनेंगे, तो चलिए। रामू रामू सुनो, मैं फूल उगाने जा रही हूँ, तुम भी चलो ना। नहीं मेरे को अभी काम है। ठीक है तो मैं अकेले ही जाती हूँ। हाँ तुमको आज अकेले ही जाना होगा, अच्छे से पानी वानी डाल के काम करना। ठीक है जी। Thank you.
हाँ तो प्यारे बच्चों, अब आपने देखा ना,
अभी आपको हम लिखा के लेके गए थे एक गाँव में, जहाँ पर एक रामू और रानी थे जिन्होंने लक्ष्मी माँ के आने पर उनके अंदर क्या आ गया था, घमंड आ गया था। और उस घमंड के बाद क्या हुआ आपको मैंने, हाँ मैंने आपको पहले बताया था कि जो लक्ष्मी है वो क्या है, चंचला है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती। और जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हमारे अंदर दुर्भावना आ जाती है, तो लक्ष्मी भी जो है वो हमारा साथ छोड़कर चले जाती है। तो आगे से आपने क्या शिक्षा ली, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद रामू और रानी दोनों अपने पुराने घर जो उनका छोटा सा कॉटेज था वहाँ पे लौट गए और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से बिताई।